खबर पीलीभीत जनपद से है। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जेट सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्यपाल से गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद देवबंद जनपद सहारनपुर गए हुए थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर हमलावरों ने असामाजिक तत्व ने गाड़ी पर जानलेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग से गाड़ी के शीशे टूटकर गोली सीधी चंद्रशेखर आजाद के बाईं ओर लगी, जिसे चंद्रशेखर आजाद मौके पर घायल हो गए। हमलावर चंद्रशेखर आजाद की हत्या करने के इरादे से आए थे, इसलिए आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के लिए ज्ञापन पत्र लिखकर जिलाधिकारी पीलीभीत कार्यालय पर जाकर सौंपा। हमारे लोकप्रिय नेता भीम आर्मी के चीफ एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा है तो जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें मौजूद रहे जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार गौतम, अनिल चौधरी, शेर सिंह गौतम, नीरज जाटव, राजाराम फूलचंद, इकबाल हसन, सहदेव गंगवार, निसार अहमद, अखिलेश कुमार, सचिन गौतम, समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय 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 जय